कश्मीर घाटी में नेशनल डिसेबिलिटी डे के मौके पर सेना की 34 आरआर सीओबी मंत्री बग ने नेशनल डिसेबिलिटी डे के दौरान विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बच्चों को खेल किट, कंबल, जूते, जैकेट, शॉल और हेयरिंग एड वितरित किए गए। साथ ही एक फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में विशेष बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करना है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में ऑल जेएनके पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कोर्सेज के विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने प्रशासन से ऑनलाइन परीक्षा आयोजन करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि हमें 2 साल हो गए हैं, हम अभी भी वही हैं जहां से शुरू किया था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जरूरी रखरखाव और मरम्मत के लिए 16 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच हर फ्राइडे को नेशनल हाईवे वाहनों के लिए बंद रखा गया था। वहीं अब सरकार ने फिर रखरखाव और मरम्मत के लिए इसे 4, 11, 18 और 25 दिसंबर सभी फ्राइडे के दिन जम्मू श्रीनगर पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया जाएगा। यूटी जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर सरकार द्वारा सार्वजनिक वाहनों के यात्री किराए में 30% बढ़ोतरी के वापस लेने संबंधी आदेश से काफी नाराज है। ट्रांसपोर्टरों ने साफ किया है कि अगर एक सप्ताह के भीतर सरकार की ओर से ये यात्री किराए में 30% बढ़ोतरी के आदेश को फिर से जारी नहीं किया गया तो फिर प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर से कश्मीर तक यात्री वाहनों के चक्के अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। शहर के वेयरहाउस में ऑल जेएनके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बस, ट्रक, ऑयल टैंकर, टैक्सी, ऑटो सहित अन्य कमर्शियल वाहनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उधमपुर, पुंछ, राजौरी, रियासी, जम्मू, सांभा और कठुआ जिले के लिए सेना भर्ती रैली 10 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 तक जम्मू के जोरावर स्टेडियम और सुंजवा मिलिट्री स्टेशन में आयोजित की जाएंगी। पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 26 जनवरी 2021 से 9 फरवरी 2021 तक पूरी तरह रजिस्टर्ड ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे। कोविड-19 महामारी के चलते सीमित उम्मीदवारों को प्रतिदिन बुलाया जाएगा। जम्मू में धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बेहतर वेतन और सुविधाएं देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड की तर्ज पर उन्हें सभी सहूलियतें प्रदान की जाएं। जम्मू के अखनूर कस्बे में विकलांग दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन पीएचई रेस्ट हाउस में आयोजित किया। इसमें वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवी जोरावर सिंह जम्वाल और एकजुट जम्मू के अध्यक्ष अंकुर शर्मा उपस्थित थे। वहीं संस्थान के चेयरमैन सुशील कुमार ने विकलांगों की परेशानियों को उजागर किया और कहा कि सरकार इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। वहीं इस मौके पर 10 साइकिलें, 10 व्हीलचेयर, कान की मशीनें व अन्य सामग्री विकलांगों में बांटी गई। अंकुर शर्मा ने कहा कि विकलांगों की मांगों का ज्ञापन हम उपराज्यपाल तक पहुंचाने जा रहे हैं। वहीं जोरावर सिंह ने अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। कश्मीर घाटी में बुधवार और बृहस्पतिवार की रात को अभी गुजर रेजिडेंशियल हाउसबोट कोलैप्स कर गई, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया। शमीमा ने बताया कि जब वो डूब रहे थे तो पड़ोसियों ने अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया। हमारा सारा खाने पीने का सामान और सब सामान डूब गया है। अब हम आसमान के नीचे रह रहे हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी कुछ मदद करें। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी ओर अगले साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि भारत में अब हमारे पास ऐसे टीके हैं जिनका परीक्षण अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में हमें भारतीय नियामक अधिकारियों से टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल जाएगी।